गवार माँ की मॉडर्न बेटियां। राम भाई साहब, काहे आप यहाँ खड़े हैं? काहे आप हमारी बिटिया को काल नहीं करत हो? देखो अंगूरी, तुम्हारी बेटियों को हम पहले ही कॉल कर चुके हैं, वो रास्ते में होंगी। मेरे हिसाब से वो समय पर ही आ जाएंगी, लेकिन तुम तो दवाई खा लो बहन। ना ही भैया, ना ही खाएंगे हम दवाई। आज तो हमने सरस्वती माँ का व्रत रखा है, हमरी देवी माँ हमसे नाराज हुई गई तो हमरा की होएगा भाई साहब? तुम्हारी बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हैं और तुम हो कि आज भी बिल्कुल गंवार ही हो। पता नहीं बहना तुम्हारा क्या होगा। हमरा कछु नहीं होगा राम भैया, कछु नहीं होगा। तभी अंगूरी की दोनों बेटियां शहर से आ जाती है। माँ, क्या हुआ माँ आपको? आप ठीक तो हो ना? आ गई बिटिया तुम। माँ, हमें राम काका का फोन आया था कि आपकी हालत खराब है, क्या हुआ है आपको? कछु ना ही हुआ है बिटिया, ई तो हमारी उम्र का नतीजा हुई रहा है बिटिया। बहुत हुआ माँ, अब आप यहाँ गांव में नहीं रहोगी, आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। हाँ माँ, अब आप हमारे साथ शहर चलो। अरे बिटिया, काहे परेशान होवत हो? हमरा कछु नहीं हुआ है, काहे नहीं समझ रही हो हमारी बात? अरे बेटियों, अपनी गंवार माँ को लेके जाओ यहाँ से। अरे इस गंवार को कुछ समझ ही नहीं आता है, आज इसकी तबीयत खराब है और अपनी तबीयत ठीक करने के लिए इसने सरस्वती माता का व्रत रखा हुआ है। भगवान, ऐसी गंवार औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कहने के बाद राम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी माँ को शहर में तो ले आती हैं, लेकिन उन्हें आगे होने वाले अंजाम का जरा भी अंदाजा नहीं होता है। माँ, ये रसोई है, ये बाथरूम है। ओरी मोरी मैया, मार जाए तोरे तीनों भैया। क्या हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? हमका तो कछु समझ ही नहीं आवत है, ये बाथरूम का होवत है, बहुते साफ दिखाई देवत है। ओहो माँ, ये एक शौचालय की जगह है, आप यहाँ शौच कर सकती हो। ओरे दादा, ये सोच करन खातिर इतनी साफ सुथरी जगह काहे? ये हमरे शहर के लोग कहीं बौखला तो नहीं गए हैं बिटिया? हमका भी संडास आवत है, ये बाथरूम तो बहुते साफ है। यहाँ आसपास झाड़ी झुड़िया है तो हमका बताई दो, वही डब्बा लेके चले जाएंगे। आप ये कैसी बात कर रही हो माँ, आप इसके अंदर जाओ और इस बाथरूम का इस्तेमाल करो। श्रेया अपनी माँ को इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना सिखाती है। का बताए बिटिया, बहुते आनंद आया है इस इंग्लिश टॉयलेट माँ, एकदम स्वर्ग वाला एहसास हो रहा है। अपनी गंवार माँ की बात सुनकर श्रेया और रिया दोनों ही हंसने लगती है, जिसके बाद अंगूरी को शहर के लोगों का रहना सहना थोड़ा अटपटा लगता है और वो अपने गंवार पने की वजह से बेचारी श्रेया और रिया के कई सारे काम बिगाड़ देती है। ई काहे रे भाई साहब, हमका तो कछु उटपटांग दिखत है, लागत है इसका कई दिनों से धोया नहीं गया है। अंगूरी लैपटॉप उठाकर उसे धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही श्रेया उसको देखती है वो हैरान रह जाती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने इतना महंगा लैपटॉप ही धो दिया, ऊपर से इसके अंदर की सारी फाइल भी करप्ट हो गई होगी। तोहार का बताए बिटिया, घर माँ आराम कर करके हमरा शरीर टूटन लागत है, इसलिए काम करना ठीक लगा हमका। ओहो, मेरे ऑफिस की फाइल तो यहाँ से चली ही गई है, अब मुझे दोबारा से मेहनत करनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अरे बिटिया, काहे परेशान होवत हो? तनको तुम सरस्वती माँ का व्रत रख लियो, सब दुख पीड़ा खत्म हुई जाई है। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, कौन सी सदी में हो? यहाँ तो हमें खुद मेहनत करके काम करना होगा, तभी जाकर सब कुछ ठीक होगा। यहाँ हमारी सरस्वती माता ऑफिस की फाइल बनाने नहीं आएगी। श्रेया ऐसा कहकर अपना खराब हुआ वो लैपटॉप ले जाती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं। अरे आवत है, आवत है, काहे हमरे घर का दरवाजा तोड़त हो भाई? अंगूरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, प्रिया की कुछ दोस्त छोटे छोटे कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, अरे अम्मा, आप यहाँ खड़ी क्यों हो? लगता है कोई नौकरानी हो तुम इस घर की, जाओ जरा रिया को बुला कर लाओ। अरे तुम हमका नौकरानी कहत हो? अरे ये घर की मालकिन हूँ मैं, और सुन लियो बिटिया, नौकरानी होगी तुहार माँ, समझी? अब फूटो यहाँ से,
और दोबारा ये अधनंगे कपड़े पहन के यहाँ आ मत जाइयो। ऐसा कहकर अंगूरी दरवाजा लगा देती है। तभी वहाँ रिया आती है और अंगूरी से कहती है, अरे माँ आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरी फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं और हमें एक साथ तैयारी करनी है। आज हमारी ग्रुप स्टडी का दिन है और ये ग्रुप स्टडी हमारे घर पर होगी। अरे का होवत है बिटिया गनूप टांडी। अंगूरी की ये बात सुन रिया की सभी सहेलियां अंगूरी के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। काहे हसद हो हम पर, हम कछु जोक मारे हैं का? माँ गनूप टांडी नहीं होता है, ग्रुप स्टडी होता है। खैर आपको समझ नहीं आएगा, आप वैसे भी गांव से आए हो। आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। रिया अपनी सहेलियों को अपने कमरे में ले जाती है। अंगूरी की ये बात समझ से परे हो जाती है। उसके जाने के बाद अंगूरी अपने मन ही मन सोचती है, ई गनूप टांडी होवत का है, ई बात का पता तो हमका लगाना ही होगा। आखिर ई गनूप टांडी के चलते कमरे में लड़का लड़की जाकर करते का है। अंगूरी ऐसा कहकर किसी प्रकार खिड़की से अपनी बेटी के कमरे में झांकने लगती है, जहां पर रिया अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रही होती है। अरे रिया तुम्हारी माँ इतनी गंवार क्यों है यार? क्योंकि बचपन से ही वो गांव में रही है और उन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में हमें यहाँ भेज दिया था, लेकिन अब वो हमारे साथ ही रहती है। ये सब खिड़की के बाहर खड़ी हुई अंगूरी सुन लेती है। ई बच्चा लोग तो पढ़ाई करत है, ई का मतलब ई होवत है गनूप टांडी। उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद जब वो सभी जा रहे होते हैं, तभी अंगूरी कहती है, अरे बच्चों हुई गई तो हार गनूप टांडी। ये सुनकर रिया को बहुत शर्म आती है। बस करो माँ और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रिया के ये कहने पर उसके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वो भी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अंगूरी भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सुबह रिया और श्रेया दोनों ही बहुत परेशान होकर बैठी होती है। का हुई गवा, हमारी फुलवा जैसी बिटिया का मुँह काहे लटक रहा है? माँ यहाँ हमारा रिजल्ट अटका हुआ है और आप हमारे मुरझाए हुए चेहरे को देख रही हो। अरे तो का हुई गवा, हमने हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती माँ का व्रत रखा है, देखना कछु ना ही होगा। अंगूरी ऐसा कहकर अगरबत्ती जलाती है और पूरे घर में धुआं धुआं कर देती है। माँ आप ये क्या कर रही हो? बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल है ऑफिस से, अगर इसमें भी मेरा चेहरा धुंधला दिखाई दिया तो ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। श्रेया के सुनने के बाद अंगूरी उसके चेहरे और लैपटॉप के पास और धुआं कर देती है। सब कुछ शुद्धिकरण हो गया, अब कोनो विपदा नहीं आ सकत है बिटिया। दोनों मॉडर्न बहनों की जिंदगी में बेचैनी चल रही होती है और उसमें अंगूरी की नोक झोंक देखकर उन दोनों का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो दोनों बेसब्री से अपनी अपनी जिंदगी के इम्तिहान से गुजर रही थी। तभी रिया फोन के अंदर से इंटरनेट पर कुछ देखकर बहुत जोर से चिल्ला पड़ती है और बहुत खुशी के मारे अपनी माँ को गले से लगा लेती है। वहीं श्रेया की मीटिंग भी फिक्स हो जाती है और वो खुशी से झूम पड़ती है और अपनी गंवार माँ को गले से लगा लेती है। लगता है ये आपके तंत्र विद्या से हमारी रुकी रुकी चीजें भी संपूर्ण हो गई। माँ माना आप गवार हो, लेकिन आप हमारे बारे में बहुत सोचती हो। आई लव यू माँ। अंगूरी भी अपनी दोनों मॉडर्न बेटियों को गले से लगा लेती है और कहती है, चाहे कितनो मॉडर्न हुई जाओ बिटिया, आखिरी में तुहार गवार माँ ही तुहरे काम आएगी। तेजो के 5 बेटे थे, जिनमें 3 बेटों जगत कमल और विशाल की शादी हो चुकी थी और उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर गोरी गोरी 3 बीवियां थी। बहू माया बहू, अरे क्या आज उठने का मन नहीं है? जल्दी से नीचे आओ। ये बुढ़िया भी ना हमेशा बुलाती रहती है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे जल्दी आ रही हूँ। माया उठकर नीचे पहुंची। उठ गई बहू जी, क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? उन दोनों को मैंने मंदिर भेजा है, अब तू ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी जल्दी से घर के काम निपटा ले। तभी माया का ससुर प्रदीप वहाँ आया। अरे मेरा टिफिन बनाया कि नहीं? अभी कहाँ बनाया है बुड्ढे, और अगर ज्यादा जल्दी है तो तू खुद बना लेता। कुछ कहा बहू? कुछ नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रहने दे, अब मुझे बहुत देर हो रही है। प्रदीप अपने काम पर चला गया। इसी वजह से कहती हूँ कि जल्दी उठा करो,
तेरे ससुर को अब बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तेजो भी माया में डांट लगाकर चली गई। आज सभी मुझ पर ही क्यों अफर रहे हैं? दोनों भाभियां तो बच गई लेकिन मैं फंस गई। चल माया, अब जल्दी से घर के काम पर लग जा, वरना ये तेरी बुढ़िया सास तुझे कच्चा चबा जाएगी। माया घर के कामों में लग गई। उसके सारे काम खत्म होते ही दोनों भाभियां अनन्या और धानी भी मंदिर से वापस घर आ गए। वाह, सारे काम खत्म होते ही दोनों आ गईं। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी करना पड़ता है, अब तू इतना गुस्सा मत कर। नहीं मम्मी जी, आज सारा काम मुझे करना पड़ा और ये दोनों आराम से टहल कर आ रही हैं। एक मिनट, हम टहल नहीं रहे थे, हम भी काम से ही गए थे, समझी भाभी जी? और अगर आपको कोई काम नहीं करना था तो आप मत करती ना। अच्छा, अरे अब बस भी करो तुम लोग, हमेशा लड़ाई लड़ाई, साथ साथ मिलकर रहा करो। और हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने आई थी। क्या? बताती हूँ, ये देखो। तेजू ने एक फोटोज से भरा हुआ छोटा डब्बा अपनी बहुओं के आगे रख दिया। क्या ये आपके पुराने फोटोज हैं माँ? अरे ये मेरे नहीं, ये उन लड़कियों के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। इन सभी लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे देवरों के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सभी का एक एक फोटो मांग लिया। अब देखकर बताओ कि लड़की कौन सी अच्छी है। तीनों बहुओं ने फोटो देखने शुरू किए। उसमें बहुत बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर वो तीनों चढ़ गईं। बताओ कौन सी अच्छी है। मम्मी जी, कोई भी अच्छी नहीं लगी। क्या? हाँ मम्मी, इनमें तो कोई भी खास नहीं है। आप ये काम हम पर छोड़ दीजिए, अपने देवर जी के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ठीक है। तेजो वहां से चली गई। अरे तुमने देखा कैसी रबड़ी मलाई जैसी लड़कियां थीं? हाँ देखा, तभी तो मना कर दिया। सही कहा, इस घर में हम तीनों से सुंदर कोई बहू नहीं आएगी। सही कहा, अपने देवर जी के लिए तो हम किसी काली कलूटी को ही ढूंढेंगे। फिर क्या था, तीनों बहुएं लग गईं कोई काली लड़की ढूंढने। कुछ दिनों बाद माया ने दो बहनों को पसंद किया और उनका फोटो वो तेजो को दिखाने लगी। मम्मी जी ये देखिए हमारी पसंद की लड़कियां। दिखा जरा। तेजो ने फोटो देखा और फिर बोली, अरे तुम्हें ये काला कोयला ही पसंद आया, क्यों? मम्मी जी भले ही ये काली है पर दिल की दोनों बड़ी साफ है, बस इसीलिए। तीनों बहुओं ने किसी तरह अपनी सास को राजी कर लिया और कुछ ही दिनों में ऋतिक और नरेंद्र की शादी महक और लक्ष्मी से हो गई। अब शादी हुए एक हफ्ता हो चुका था। तेजो को खूबसूरत चीजें ही पसंद थीं, इसलिए वो उन दोनों को पसंद नहीं करती थी। सासू माँ, ये लो आपकी चाय। चाय? तेरे हाथ से? ना बाबा ना, तेरे हाथ से तो मैं कभी पानी भी ना लूं। अगर मैं भी ये काली चाय पीकर तेरी तरह काली कलूटी हो गई तो जा जा, इसे तू ही पी ले। मम्मी जी, अरे अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? तेरी काली शक्ल देख देख कर मेरा दिमाग दुख रहा है। पता नहीं मैंने तीनों सुंदर बहुओं को तुम जैसी अमावस्या के चांद ही क्यों पसंद करने दिए। तेजो ने बिना बात ही महक को बहुत सुनाया। बेचारी महक सब कुछ बस चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद तीनों गोरी जिठानियां नीचे आईं। आप आ गईं जिठानी जी, मैं बस अभी नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ जल्दी करो और सुनो, बाद में झाड़ू पोंछा भी कर देना। तीनों जिठानियां इसी तरह से लक्ष्मी और महक को कामों में लगाई रखती थी और खुद बस आराम फरमाती। तेजो भी उनसे कुछ नहीं बोलती थी। इसी तरह से कई दिन बीत गए। आज माया की मैरिज एनिवर्सरी थी और सभी उसी की तैयारियां कर रहे थे। ए सुन, काले रसगुल्ले, चल जल्दी यहाँ एक बड़ा वाला गुब्बारा फुला कर लगा। क्या आप मुझे बोल रही हो? इस घर में और कौन सी काली सी आई है? बस बहुत हुआ, ये काला काला सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। लक्ष्मी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। काली कचरी को तो शायद बुरा लग गया। तो हम क्या करें? वैसे अच्छा ही है कि वो यहाँ से चली गई, वरना अच्छी खासी खुशियों में ग्रहण की तरह लगी हुई थी। उन सभी की बातें महक ने सुन ली और वो अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी के पास पहुँची। लक्ष्मी अपने कमरे में रो रही थी। दीदी आप प्लीज इन सब की बातों का बुरा मत मानिए। जिन इंसानों की सोच छोटी होती है वो लोग इस तरह की बातें ही करते हैं, तो आप प्लीज रोइए मत। अपनी बहन के समझाने पर लक्ष्मी चुप हो गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी महक अब इतनी बड़ी हो गई है। तो ठीक कहती है, मुझे इन सब की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए,
दोनों बहनें अपने कमरे में थीं, उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। सभी अपने हाथों को खड़े कर लो और सारा माल हमें दे दो। अरे समझ नहीं आया क्या? पार्टी में अचानक ही डाकू आ गए थे और उन्होंने माया और तेजो पर बंदूक तान रखी थी। ये सारा मंजर लक्ष्मी और महक ने खिड़की से देख लिया। महक ने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को आने में तो अभी टाइम लग जाएगा, हमें कुछ करना होगा। लक्ष्मी घबरा कर नीचे गई। डाकू बस माया पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी लक्ष्मी उसके आगे आ गई और वो गोली उसके लग गई। तभी पुलिस वहां पहुंची और उन डाकुओं को अपने साथ ले गई। लक्ष्मी अब अस्पताल में थी। उसकी तीनों जेठानियां और सास अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा ही तुम दोनों बहनों को तुम्हारे रंग की वजह से जलील किया और तुमने मेरे लिए अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया। क्यों? अरे वो गोली मेरे ही सीने में उतर जाने देती। आप सभी ऐसे मुझसे माफी मत मांगी। और सब कुछ मैंने नहीं किया, महक ने ही पुलिस को बुलाया था। हम जानते हैं, हमने उससे माफी मांग ली है, अब बस तुम भी हमें माफ कर दो। लक्ष्मी मुस्कुराई और उसने उन सभी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी ठीक हो गई। अरे भाभी, ये इतनी सजावट, गुब्बारे, ये सब किस लिए? वो तो एक सरप्राइज है। सभी ने घर को सजाने के बाद लक्ष्मी और महक को सजाया और फिर उन दोनों की मुंह दिखाई की रस्म की। लक्ष्मी और महक की आंखों में खुशी के आंसू थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।